ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। अब हमें ओम के नियम से प्रतिरोध के बारे में और प्रतिरोध से प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हमने समीकरण एक दिया था, इसे समीकरण दो दिया था। समीकरण एक और दो की तुलना भी की थी। तुलना करने पर देखिए R समानुपाती L अपॉन A आया था और बताया गया था कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो समानुपाती का चिन्ह अपने साथ में हटते ही बराबर का चिन्ह आता है और ये अपने साथ में एक नियतांक लेके आता है। यहाँ पर एक नियतांक आएगा K, तो K L अपॉन A। K क्या है? K एक प्रतिरोध, ये चालक की प्रतिरोधकता है। K एक नियतांक है जिससे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता नियतांक। यहां तक हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब देखिए प्रतिरोधकता नियतांक, अब यहां से हम प्रतिरोधकता की परिभाषा पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता होती क्या है। तो यहां से सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले ए इधर भाग में इधर आते होगा गुणा में, तो आर गुणा ए आर ए बराबर के एल। एल इधर गुणा में इधर आते हो गया भाग में, तो आर ए अपोन एल बराबर आ गया के। ये हमारे पास आ गया के बराबर आर ए अपोन एल, के बराबर आ गया आर ए अपोन एल, जहां पर आर होता है प्रतिरोध, ए होती है, ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एल होती है चालक की लंबाई और के होता है प्रतिरोधकता। तो याद रखना है प्रतिरोधकता बराबर होती है प्रतिरोध गुणा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटा चालक की लंबाई। अब यहां से हम प्रतिरोधकता का सूत्र निकालिए, मात्रक निकालेंगे। जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है वैसे ही प्रतिरोधकता का मात्रक निकालेंगे। तो देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम गुणा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की वर्ग इकाई होती है इसलिए मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए, प्रतिरोधकता का सूत्र लिखिए। तो मात्रक याद रखना इसका ओम इंटू मीटर, और कहते किसे है प्रतिरोधकता वो भी देखिए। यहां पर देखिए कि प्रतिरोधकता कहते किसे है। यदि किसी चालक, जैसे ये कोई चालक तार है, इसकी लंबाई को एकांक कर दे और इसके प्रतिरोध, ये सॉरी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को एकांक कर दे, यदि एल बराबर एक मीटर कर दे एकांक लंबाई, और क्षेत्रफल एरिया बराबर कर दे एक मीटर स्क्वायर एकांक इसका क्षेत्रफल कर दे, तो बचा क्या? के बराबर आर। तो इस स्थिति में के बराबर क्या होगा? आर होगा। तो याद रखना है प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल के चालक का जो प्रतिरोध होता है वही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। तो परिभाषा देखिए एक बार इसकी, प्रतिरोधकता एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता क्या होती है? यदि चालक की लंबाई को एकांक कर दे, क्षेत्रफल को एकांक कर दे, तो प्रतिरोध बचता है प्रतिरोधकता के बराबर। तो यही याद रखना है, एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल के चालक का जो प्रतिरोध होता है वही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर आर अपॉन एल होता है और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। अब आगे देखते हैं, पहले हमने पढ़ा कि प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध
निर्भरता पढ़ रहे थे, प्रतिरोध की। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब बताएंगे पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति का मतलब होता है, जैसे ये मेरे पास कोई चालक तार है, वो चालक तार चांदी का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, कौन सी धातु का, कौन से पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ की प्रकृति पर भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है। तो याद रखना, जैसे हमारे पास चार तार है, एक तो है चांदी का, एक है तांबे का, एक है एल्यूमिनियम का, चांदी एजी, तांबा कॉपर, एल्यूमिनियम और एक है मालिया। ये हमारे पास चार तार। अब क्वेश्चन पूछ ले कि किस तार के अंदर या किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा, किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है, चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। और सर्वोत्तम चालक का मतलब होता है कि उसमें सबसे अधिक आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और सबसे तेज गति से होती है। अब तेज गति से धारा कब प्रवाहित होगी, जब उसके बीच में कोई उसके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होगा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। अगर इसमें रुकावट होती तो ये सर्वोत्तम चालक नहीं होती। तो याद रखना है चांदी सर्वोत्तम चालक होती है, इसलिए सबसे सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का। इसके बाद कॉपर का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर लोहे का, इसके बाद में याद रखना है। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा चारों में, फेरस का, और सबसे कम है चांदी का। सबसे आसानी से जिसमें धारा प्रवाहित होगी उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, और जिसमें कठिनाई से धारा प्रवाहित होगी उसमें यह प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। अब क्वेश्चन एक और पूछ ले, एक क्वेश्चन और पूछ ले कि दो तार हैं, ये दो तार हैं, एक तो है मान लिया 10 मीटर का, ये तार है 10 मीटर का, और एक तार है 8 मीटर का। ये समान पदार्थ के बने हुए हैं, दोनों की पदार्थ की जो प्रकृति है वो समान है, समान पदार्थ के बने हुए दो तार है जिनकी लंबाई एक ही 8 मीटर और एक ही 10 मीटर है। और क्वेश्चन पूछ ले, बताइए दोनों तारों में किसका प्रतिरोध अधिक होगा, किसका प्रतिरोध अधिक होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिरोध अधिक किसका होगा। तो याद रखना है, पहला ही पॉइंट बताया था कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अब देखिए प्रतिरोध किसका अधिक होगा, जिसकी लंबाई अधिक होगी। अगर 10 मीटर का तार है तो उसको धारा को ज्यादा प्रवाहित होना पड़ेगा, और ज्यादा प्रवाहित होगी, मार्ग ज्यादा तय करना पड़ेगा, तो उसके मार्ग में बाधाएं भी ज्यादा आएगी। तो जिस तार की लंबाई ज्यादा है, अधिक है, उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा, और जिस तार की लंबाई कम है उसका प्रतिरोध भी कम होगा। तो इसका प्रतिरोध कम होगा जिसकी लंबाई कम है, और जिसकी लंबाई अधिक है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये बातें याद रखनी है। ऐसा ही अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले, देखिए दो तार है, एक तार है 10 mm, एक 10 mm का है, और एक तार है 5 या 7 mm। क्वेश्चन पूछ ले कि आपके पास दो तार दिए गए हैं ए और बी, और एक तार की मोटाई 10 mm है और एक तार की मोटाई 7 mm है,
तो दोनों तारों में किस तार का प्रतिरोध अधिक होगा और किस तार का प्रतिरोध कम होगा, ये क्वेश्चन पूछ ले, या किस तार में आसानी से धारा प्रवाहित होगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, हमने इसका सेकंड नंबर पढ़ा था कि जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्षेत्रफल, अब देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मोटाई देखते हैं कि जिस तार की मोटाई ज्यादा होगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। मान लीजिए आपके पास दो दरवाजे हैं, एक तो ये दरवाजा है और एक ये दरवाजा है, छोटा दरवाजा। ये दो दरवाजे हैं, तो देखिए इसमें रास्ता ज्यादा है और इसमें रास्ता कम है। वैसे ये तार तो मोटा है और ये तार पतला है। अब इसकी मोटाई ज्यादा है, इसमें रास्ता ज्यादा है। अब इनके अंदर से 20 लोगों को बोला जाए कि 20 लोग एक साथ इस दरवाजे में से गुजरे और 20 ही लोगों को इसमें से बोला जाए कि इस दरवाजे में से गुजरे, तो कौन से दरवाजे में से आसानी से गुजरेंगे, जिसका मार्ग ज्यादा होगा या जिसके क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्षेत्रफल जिसका ज्यादा होगा उसमें आसानी से लोग निकल जाएंगे। वैसे ही तार के अंदर देखना है कि जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, बाधा कम आएगी। तो यहाँ पर वही बात लागू हो रही है कि जिस प्रकार से इसमें दरवाजे में ज्यादा जगह थी, क्षेत्रफल ज्यादा था तो 20 लोग आसानी से आ गए, यहाँ पर यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो इसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगी और आसानी से धारा प्रवाहित होगी तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ये बात याद रखनी है। और जिसमें जिसके मार्ग में बाधा, देखो 20 लोगों को अगर इस छोटे से दरवाजे में से निकालेंगे तो कठिनाई से निकलेंगे, वैसे ही तार का यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। ये बात याद रखनी है। और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दो तार दिए हुए हैं, एक की मोटाई अधिक है, एक की मोटाई कम है, या एक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है, एक का कम है, तो किस तार में आसानी से धारा प्रवाहित होगी, तो आसानी से जिस तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें आसानी से धारा प्रवाहित होगी, और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा उसमें कठिनाई से धारा प्रवाहित होगी और उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। ये बातें याद रखनी है। ये तीन क्वेश्चन बताए, तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन ये, सेकंड नंबर पर ये, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अब आगे देखिए, अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, वैसे हम बता देते हैं इसी पार्ट में कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है समांतर क्रम में। इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।